गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता है आपको क्यों? क्योंकि आज मैंने इतने दिनों बाद अपनी गाड़ी चलाई और मैं थोड़ी सी देर के लिए ऑफिस भी गई थी। और हाँ, थोड़ा सा गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे इंटरनली थोड़ा सा खिंचाव फील हो रहा था स्टिचेस में, बट मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने इतने दिनों बाद अपनी गाड़ी चलाई थी और इतना मज़ा आ रहा था ना, ऐसे अकेले इतने दिनों बाद मैं निकली थी बाहर। वाओ, इट वाज ऑसम, बहुत 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 मज़ा आया। लेकिन मुझे बहुत टाइम भी लगा ऑफिस पहुंचने में, बिकॉज मैं ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला नहीं सकती थी, और अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलाती तो मुझे ये डर था कि कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए या आँखों के सामने अंधेरी ना आ जाए। इस कारण से मैंने ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाई, 30-40 की स्पीड पर मैं धीरे 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 करके ऑफिस गई थी। एक्चुअली जाना तो कैब से था, बट प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा कैब बुक ही नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक, लगभग 45 मिनट्स तक मैं ट्राई करती रही, बट मेरा कैब बुक नहीं हुआ। तो जब कैब बुक नहीं हुई तो फिर मुझे लगा कि अभी तो एक ही ऑल्टरनेट बचा है, क्योंकि मुझे टाइमली ऑफिस पहुंचना था। मेरे HR हेड आए थे और उनसे मुझे मिलना था, तो इस कारण से मैं अपनी गाड़ी लेके ही निकल गई। घर में किसी को बताया नहीं कि गाड़ी लेके जा रही हूँ, बट मैं चली गई और टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड सेफली पहुंच गई। और HR हेड से मिलकर थोड़ी देर में, आधा पौन घंटे में मैं ऑफिस से वापस निकली। हाँ, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था ऐसे कि मुझे अभी चक्कर आ रहे हैं, तो मैं गाड़ी में ही बैठ गई थी और थोड़ी देर में गाड़ी में बैठ गई। और उसके बाद में सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में कोई ना कोई आ जाता है या फिर फ़ोन आ जाता है, और क्योंकि अब ऑफिस शुरू हो चुका है तो अब तो कॉल्स आते ही रहेंगे मेरे फ़ोन पर और चलता रहेगा ये, तो डिस्टर्बेंस भी मेरे वीडियोज़ में आता रहेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने आज गाड़ी चलाई और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया कि बहुत दिनों बाद ना ऐसा लग रहा था कि अभी मैं वापस बैक टू दी नॉर्मल लाइफ जा रही हूँ। हाँ, नॉर्मल अभी खाने में तो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे जो डेली रूटीन है उसमें धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। और अच्छा लगा, अपने स्टैमिना के बारे में भी थोड़ा पता चला कि हाँ, मैं कितनी देर बैठ सकती हूँ या मैं गाड़ी कितनी देर चला सकती हूँ। हाँ, मुझे रास्ते में आते टाइम दो बार मैं रुकी थी रास्ते में, उसका रीज़न ये था कि मुझे, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी तो मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था, तो मैं रास्ते में फिर दो बार रुक गई। क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि गाड़ी चलाते चलाते कहीं कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई एक्सीडेंट मेरे से हो जाए। तो जैसे ही मुझे अनईजी फील हुआ, मैं दो जगह पर रुक गई और मैंने थोड़ा रेस्ट किया, पानी पिया, और फिर उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। तो इस बीच में मैंने ये ज़रूर ध्यान रखा कि मैं कुछ भी बाहर का ना तो खाऊंगी ना पीऊंगी, ना मैंने पानी पिया, ना चाय, ना कुछ। मैं अपनी वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ और मैंने कैरी किया, और मैंने सिर्फ यही पानी पिया घर के आरों का, और कोई पानी मैंने नहीं पिया, ना ही मैंने ऑफिस में कोई चाय कॉफ़ी छाछ कुछ भी लिया। मैं यहीं से अपना जो है दाल, जो मैं अभी अभी लेती हूँ, तो वो दाल वगैरह लेकर मैं खाकर ही गई थी यहाँ से। तो इसीलिए मैंने बाहर का सब कुछ जो है वो अवॉइड किया और कुछ भी नहीं दिया बाहर का, इवन ऑफिस का पानी तक भी नहीं दिया। अभी कह सकते हैं कि घर से ही पानी पिया अपना, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सेफ नहीं है इसलिए। सो आज मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और थोड़ा सा हल्का भी लग रहा है। मॉर्निंग में तबीयत ठीक नहीं थी, उसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, बट मॉर्निंग में मुझे बहुत बैक पेन भी हो रहा था और हल्का हल्का फीवरिश था, तो मैंने मेडिसिन लिया सुबह नाश्ता करके। नाश्ता तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल, वही दूध या फिर दाल या फिर सूप, बस यही चल रहा है नाश्ते में, और तो कुछ अभी चल नहीं सकता, तो वही चल रहा है और मैंने वही किया। मज़ा तो आ रहा है, और आज मैं आप लोगों को ना बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अभी आगे का प्लानिंग किया है, कि जब मेरा ये जो टाइम है 1 मंथ और सवा महीना या जो भी है, 1 महीना 5 दिन जितने भी टाइम मैं घर पर हूँ, उसके बाद में जब मैं ऑफिस जाने लगूँगी, तो मैंने कुछ प्लानिंग किया है कि मेरा डेली रूटीन क्या होगा। तो
तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बट उससे पहले आप लोगों को मैंने एक सवाल पूछा था कि मेरी बेरियाट्रिक सर्जरी करवाना सही है या गलत है। अभी कुछ लोगों के मिक्स कमेंट्स हैं, बट अभी भी मैं वेट कर रही हूँ और भी लोगों के कमेंट्स आने के। तो आई विश कि आप लोग मेरा वीडियो देखें और उस पर कमेंट्स करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले और फिर मैं आपको जो है मैं आगे दूसरी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बता पाऊँ। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देख कर उस पर कमेंट करना मत भूलना। और अगर हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन आप लोगों से करना चाहती हूँ। तो देखिए क्या है कि अभी इस वीडियो में तो मैं सारी चीज़ें नहीं शेयर करूँगी, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि अगर आप कभी बेरियाट्रिक प्लान करते हो तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी करवा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके की सर्जरी होती है और इसमें से कौन सी बेस्ट है, आपको किसके लिए जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, बेरियाट्रिक सर्जरी दो तरीके की होती है, ठीक है। एक स्लीव गैस्ट्रोनोमी होती है और दूसरी जो है वो बाईपास होती है। जब स्लीव अगर सक्सेसफुल नहीं रहती है तो उस केस में लास्ट ऑप्शन जो है वो बाईपास होता है, या फिर अगर आपका वापस से वेट गेन हो गया स्लीव करवाने के बाद कुछ सालों बाद और अब आपको लगता है कि आपको वापस सर्जरी की ज़रूरत है, देन यू कैन गो फॉर बाईपास। बट जो मोस्टली लोग जो प्रेफर करते हैं वो स्लीव को ही करते हैं, क्योंकि स्लीव जो है वो थोड़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। लगभग 35-40 केजी रिड्यूस होने का रहता है, किसी किसी का 30 केजी भी होता है, बट जितने मेरे नोन हैं जिन्होंने बेरियाट्रिक कराई उनका लगभग 35 केजी टू 40 केजी के बीच में वेट रिड्यूस हुआ है। तो आप जब भी कोई सर्जरी करवाने जाते हैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च करें अगर आप बेरियाट्रिक प्लान कर रहे हो, या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए अगर बेरियाट्रिक आप प्लान कर रहे हो तो आप उसके लिए प्रॉपर रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि फिर अब आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है या किस डॉक्टर से आपको वो सर्जरी करवानी है। जब तक आप सर्जरी को नहीं समझेंगे तब तक आप एक अच्छे सर्जन को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो आप ये चीज़ पर ध्यान दें कि आप जो सर्जन हैं वो कौन होंगे आपके और आप किन से सर्जरी करवाना चाहते हैं, वो उस पर भी रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बिफोर सर्जरी बहुत रिसर्च की जयपुर में, अजमेर में, इंदौर में, उदयपुर में, अहमदाबाद में, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ा, डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा, उनके रिव्यूज़ पढ़े, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ट्राई की। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, तो वैसा ही आपको भी करना चाहिए, ठीक है। देन उसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में वो ये है कि आपको खुद को भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सेल्फ प्रिपरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। पहली बात तो अगर नहीं करवाना चाहते तो आप कभी भी मेंटली प्रिपेयर होंगे ही नहीं, पर अगर आप करवाना चाहते हैं और आपको लगता है यही आपके लिए सॉल्यूशन है तो उस केस में फिर आपको डेफिनेटली पहले अपने आप को ही मेंटली प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस आपके मन में होता है एक सर्जरी को लेकर कि पता नहीं यार कैसी होगी, सही होगी नहीं होगी, मुझे कुछ हो गया तो, या मैं उसके साथ लाइफ आगे स्पेंड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे, सारे डाउट्स मेरे रिसर्च के थ्रू मैंने जो है इन डाउट्स के आंसर्स ढूंढे और फिर मैंने अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर किया, क्योंकि मेरी लाइफ में आज तक टिल डेट कोई सर्जरी नहीं हुई थी तो थोड़ा सा मुश्किल था अपने आप को समझाना, बट मैंने अपने आप को समझाया, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा मेरे फैमिली मेम्बर्स का। मैं आप लोगों को उन फैमिली मेम्बर्स से भी मिलवाऊंगी जल्दी ही, जिन लोगों का रोल जो है वो मेरी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में रहा। डॉक्टर से तो मैंने आपको मिलवाया ही था, फिर अब आपको मिलाऊंगी मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से। तो ये तीन चीज़ें तो आपको डेफिनेटली सबसे पहले करनी ही होंगी, पहला सर्जरी के बारे में रिसर्च, दूसरा डॉक्टर एंड हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च, और तीसरा फिर आपको अपना सेल्फ जो है वो उसको समझाना होगा कि मुझे क्या करना है, या उसको आपको सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं ना वो हमें अपने अंदर लाना होगा अगर हम सर्जरी करवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा और सर्जरी से पहले क्या तैयारियाँ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए उसके बारे में हम डेफिनेटली हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बट तो मैं यही कहूँगी जो भी बेरियाट्रिक करवाना चाहता है
उसे उसको अगर वो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखता रहेगा तो वो ये समझ पाएगा कि सर्जरी के बाद की जो क्रिटिकलिटी है या जो हाँ, क्योंकि मम्मा किचन में हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए बनाने की कोशिश करती हैं, बिकॉज इवन शी इज़ नॉट वेल, मैं आपको मिलवाऊँगी इनसे भी। तो विसिल की आवाज़ ने फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, रियली सॉरी फॉर दैट। तो मेरा जो मानना है वो यही है, बस इतना सा ही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे रेगुलरली तो आप भी दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे और आप उनको भी बता पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो क्रिटिकलिटीज़ की मैं बात कर रही थी वो मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैंने फेस की हैं उसको आपको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो या आपको किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेरे वीडियोस के थ्रू पता चलेंगी। मेरा रूटीन, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी को ब्रेड करानी पड़ती है तो वो अपने रूटीन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरी रूटीन का एक अब इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वॉक। अभी मैं घर के बाहर वॉक नहीं करती हूँ, बट घर में अपने जो है वो प्रॉपर वॉक करती हूँ। और कोशिश रहती है मेरी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा चल सकूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वॉक कर सकूँ, वो मेरी कोशिश रहती है। बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप वॉक करते रहिए, सिर्फ बैठे रहने से जो है वो प्रॉपर रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ पाएंगे। थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती भी है तो भी मैं वॉक करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बेड पर लेटी रहूँ, और मैं वही कोशिश करती हूँ और हमेशा वही कोशिश मेरे काम भी आती है। क्योंकि वॉक करने से ये होता है कि मेरे को जो पेट में जैसे पेन हो रहा होता है या अनइजीनेस हो रही होती है या मुझे ऐसे गैस्ट्रिक फील होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे फील नहीं होती हैं और मुझे सही लगता है, तो इसीलिए मैं ये सब कुछ करती हूँ। तो आज का दिन अभी तक का तो मेरा बहुत 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 अच्छा गया है और बहुत अच्छा लग भी रहा है। ऑफिस जाकर भी अच्छा लग रहा है, गाड़ी चलाकर भी अच्छा लग रहा है। और अब मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करूँगी, मेल्स चेक करूँगी, किस किस के मेल्स आए हुए हैं क्या क्या है उनकी रिवर्ट्स करूँगी, और फिर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग प्लान करूँगी कि मुझे अब आगे कब से क्या ट्रेनिंग्स लेनी है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स, VC ट्रेनिंग्स, उन सभी के बारे में प्लान करूँगी। और देन देखते हैं फिर आगे क्या होता है, तो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है।